नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कानपुर हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर आज पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते लोगों का प्रदर्शन होने लगा। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर लगातार सियासी घमासान हो रहा है। जुमे की नमाज के बाद आज दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में लोगों ने पोस्टर और बैनर लेकर विरोध जताया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर सहारनपुर तक जुमे की नमाज के बाद लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है और गिरफ्तारी की मांग की है नुपुर शर्मा की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमेठी, हरदोई, प्रयागराज, झांसी, कानपुर, कुशीनगर, लखनऊ संभल, अलग अलग जिलों की तस्वीरें, अमेठी, हरदोई, प्रयागराज, झांसी, कानपुर, कुशीनगर, लखनऊ और संभल की, जहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट था उसके बावजूद भी कुछ हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं वो अलर्टनेस की है, जब नमाज अता की जा रही थी उस वक्त की तस्वीर थी, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था, लेकिन उसके बाद हालात बदतर होते हुए नजर आए। अमेठी में यूपी के राज्य मंत्री सतीश शर्मा पहुंचे गौरीगंज के मिनीश महाविद्यालय में और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद सुब्रत पाठक और मंत्री का स्वागत किया, जहां पर केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर गरीब कल्याण जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसभा में मौजूदा केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बागपत में आज 112 जोड़ों के विवाह कराए गए। जिलाधिकारी रामकमल यादव के निर्देशन में अधिकारियों ने शादीशुदा जोड़ों को दहेज और अन्य सम्मान भी दिया। हिंदू जोड़ों का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ और मुस्लिम जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज के साथ निकाह कराया गया। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट में लोक मंच पर आयोजित किया गया। फरुखाबाद में बाजारबंदी की अफवाह का असर नजर आया। बाजारबंदी की अफवाह पर मुफ्ती मुजफ्फर अली का बयान सामने आया है। बाजारबंदी की अफवाह पर ध्यान न दें, उन्होंने कहा, जिले में किसी तरह की बंदी का कोई ऐलान नहीं हुआ है। जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण से अदा करें। डीएमएसपी ने शहर क्षेत्र में पैदल मार्च किया। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के बक्सपुर गांव निवासी पूनम देवी पत्नी प्रदीप कुमार विगत 31 मई को शाम 5 बजे अपने गांव स्थित अपने आम के बाग में आम तोड़ने गए थे, जहां पर कुछ दबंगों ने उन पर हमला कर दिया और उनके साथ अभद्रता की है। साथ वही 31 तारीख को मारपीट हुई थी, धीरेन्द्र मारा था और उसके पिता सुदीन और उसकी बहन सरोज और उसकी माँ सुमन। किस बात को लेकर लड़ाई हुई? हम अपने ही बाग में गए थे आम तोड़ने के लिए, तो कह रहे हैं आम क्यों तोड़ रहे हैं, हमका क्यों, हमारा बाग हम आम तोड़ रहे हैं, तुमसे क्या मतलब है? तो बोल रहा है कि क्यों, मैं पार साल टीक रखा था और इस बार भी तो गुंडाई गर्दी दिखा रहे हैं, इसी तरह बोल रहा है। तो हमने तो फिर इतने में गाली फजत हमको देने लगा। हम कह रहे हैं गाली फजत क्यों दे रहे हो, बस मेरे बाल पकड़ के पटक दिया और उसके पापा भी आ गए और उसकी मम्मी भी आ गई, उसकी बहन भी आ गई, चारों मिलकर लाठों और घूंसों से हमको मारने लगे। गौंडा में प्राथमिक विद्यालय में मासूम का शव मिल गया। स्कूल में शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल के बगल में रहने वाले एक रैड शिक्षिका के घर पर मासूम काम करता था। बहराइच जिले के महीपुरवा थाना क्षेत्र के लोकीहावी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर परिषद में स्थित हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाते हुए नजर आए। दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद सुनी है। संबंधित अधिकारियों को मामले को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। जनता दर्शन में आए हुए छोटे बच्चों को चॉकलेट देते हुए भी नजर आए। गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी पासपोर्ट बनाकर लोगों को विदेश भेजने के नाम पर उनसे पैसा ऐंठने का काम करते थे। इस गिरोह ने अभी तक कई लोगों से विदेश भेजने के नाम पर मेडिकल कराने के लिए लाखों रुपए ले लिए। हालांकि समय रहते पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोरखपुर के थाना खोराबार क्षेत्र में एक विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश खोराबार पुलिस ने किया है। इसमें से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम सोनू यादव, चंदन यादव, कमलेश यादव एवं नील त्रिपाठी है। ये लोग कुसमी क्षेत्र में अपना मकान किराए पे
कमलेश यादव की जगह कर्मेश यादव बना के रहते थे एवं नंबर बदल बदल कर गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। इसी आधार पर पुलिस को मुखबिर खास ने सूचना दी, पुलिस ने रेकी करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पहले मेडिकल करवाने के नाम पर 3,500 रुपये लेते थे, विदेश भेजने के नाम पर 50,000 रुपये लेते थे। हमीरपुर में एक बार फिर दहेज की वजह से महिला की जान चली गई। दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष ने बहू को मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने आरोप लगाकर थाने में दहेज दी है। आए दिन दहेज की मांग को लेकर युवती के साथ मारपीट करते थे। मामला बीमार थाना क्षेत्र के मुद्दी गांव का है। हरदोई के कोतवाली शहर इलाके के जिला अस्पताल के बाहर से दो लोगों को स्थानीय लोगों ने एक तमंचे के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इनके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि हुए विवाद में एक युवक को ये लोग असलहा लेकर ढूंढ रहे थे। एएसपी का कहना है कि पूरे मामले में FIR दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल हमारे भाई को इन्होंने पेट्रोल डाल दिया, उसके कान में चला गया था, तो हमने इनको डांटा और ये आज हमको मारने के लिए तमंचा लेके आ गए हैं और उससे हमने इनको पकड़ा। पकड़ने के बाद पुलिस को फोन किया, इनको पकड़वा के शहर कोतवाली हरदोई में भेजा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। थाना कोतवाली शहर पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति जिनका नाम शाहनवाज और मनोज मिश्रा है, दोनों कोतवाली शहर के निवासी हैं। ये लोग एक स्कूटी लेकर खड़े हैं और स्कूटी में तमंचा है। पुलिस को इसे सूचना मिली, पुलिस ने तत्काल वहाँ पहुँच करके दोनों को अरेस्ट किया और स्कूटी को खोल कर देखा गया तो उसमें तमंचा मिला है। पूछताछ में पता चला है कि किसी से इनका झगड़ा हुआ था और उसी को शायद ये खोज रहे थे। पुलिस ने उच्च धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया भर में हलचल मची हुई है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए आपात बैठक की। वहीं अब मंकी पॉक्स को लेकर भारत भी सतर्क हो गया है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में से लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गर्म हवाएं चलने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश की आइसोलेटेड स्थानों पर गर्म हवाएं चलेंगी। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी है। गर्म हवाओं से बचने के लिए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की। सीधा धूप के संपर्क में आने से बचें, सर को ढककर रखें और हल्के सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाने में हिस्ट्री शीटर बदमाश गले में तख्ती डालकर थाना प्रभारी राधेश्याम यादव के पास पहुंचे और रहम की भीख मांगने लगा। रहम की भीख मांगते हुए हिस्ट्री शीटर श्याम चंद्र बबलू ने कहा कि बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, अब हम कोई अपराध नहीं करेंगे। अगर मैं अपराध करूंगा तो मुझे आप जेल भेज सकते हैं, चाहे गोली मार सकते हैं साहब, मैं काफी गरीब आदमी हूँ। वही थाना प्रभारी राधेश्याम यादव ने हिस्ट्री शीटर से कहा कि अब कोई गलत काम नहीं करना है और जब भी आप गाँव में आएंगे तो इसकी सूचना देंगे। मुरादाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। यहां पर मुरादाबाद पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। YouTube से वीडियो देखकर ATM काटने को तीन आरोपी निकल गए। पुलिस ने मौके से घटना को अंजाम देने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी पढ़े लिखे हैं और सरकारी नौकरी की लगातार तैयारी करते थे। पुलिस ने इन तीनों अपराधियों को ATM को काटते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इनके पास से इस्तेमाल करने वाले सभी उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में जिला सूचना अधिकारी कार्यालय का एक कारनामा सामने आया। यहां बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त इन दोनों पर्वतीय क्षेत्रों में आए हुए हैं। जिला सूचना अधिकारी कार्यालय नैनीताल की एक मनमानी देखने को मिली है। महामहिम राज्यपाल ने सरोवर नगरी नैनीताल उसके आसपास के पत्रकारों को टी पर आमंत्रित किया था और सूचना विभाग नैनीताल के अतिरिक्त सूचना अधिकारी ने कुछ ही पत्रकारों को मोबाइल से सूचना देकर पल्ला झाड़ लिया। संदिग्ध अवस्था में चौकीदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आसपास के गांव में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।